आती है अच्छे अभी ओवर लेकर सज्ज होते हुए गेंद काफी समय तक के हवा में और यहाँ पर कैच की चाहत में थे उदय लेकिन उनका पैर पिछला जीवनदान कुणाल को जरूर मिला है जिन्हें कहा जाता है वो खिलाड़ी बल्लेबाजी की कमान पर सागर अच्छी बल्ले की जड़ से खेला मात्र एक रन शॉट मिडॉन के क्षेत्र में गेंद को फील किया गया एक रन से ज्यादा कुछ नहीं इस एक रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है दो रनों पर टारगेट रखा गया है पूरे 60 रन का चार ओवरों में ये बनाने हैं 60 रन 15 रन प्रति ओवर के अनुसार खेलना होगा जब जाकर जीत हाथ लगेगी अच्छा किफायती बड़ी गेंदबाजी तीन गेंदों में अब तक के तीन रन यहाँ सागर को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया कुणाल जिसे बल्लेबाज को इन्होंने शांत रखा है इसी बीच अगली गेंद शॉर्टपिच गेंद थी प्रहार करने की कोशिश वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से जरूर आता हुआ क्योंकि पिचिंग काफी शॉर्ट थी गेंद में गति के साथ साथ उछाल का जो मिश्रण था वो देखने जरूर मिला है और मेरे ख्याल से फर्स्ट वार्निंग यहाँ पर अंपायर ने जरूर घोषित की है अक्षय घोषे अगर इस तरीके की गेंद फिर से करते हैं तो फिर यहाँ पर नो गेंदे घोषित की जाएगी इस बार प्रहार किया है गेंद हवा में रही सागर जैसे खिलाड़ी को जीवन दान देना यानी अपनी टीम का जीव निकालने जैसा होगा अक्षय फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर कुणाल एक जीवनदान के साथ बल्लेबाजी ये भी कर रहे हैं सागर भी कर रहे हैं इसी बीच ये गेंद इस बार मौका नहीं दिया शॉर्ट मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात थे उनके हाथों में कैच विकेट का बदल होता हुआ न्यू बैट्समैन आए हैं इस वक्त जीतू बल्लेबाजी के कमान पर तेज तर्रार गेंद थी जोरदार अपील यहां पर देखने जरूर मिली लेकिन लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ एक रन ओवर की हुई है समाप्ति स्कोर है 6 रन एक विकेट के नुकसान के बाद आदित्य शेट्टी गेंदबाजी की कमान पर आते हुए सामना करने के लिए तैयार हैं इस क्षेत्र के बहुबली कहे जाने वाले बल्लेबाज परफेक्ट मैच फिनिशर जीतू यो
आते ही साथ अपने तेवर दर्शाए, गेंद को किया आउट ऑफ द पार्क, लॉन्ग बाउंड्री के बाहर 6 रन। मैंने पहले कहा था ये बल्लेबाज अगर विकेटों पर रुका, ये बल्लेबाज विकेटों पर टिका, तो फिर मैच की दशा और दिशा चेंज करने की काबिलियत रखने वाला ये बल्लेबाज है। अब यहाँ पर जो रनों की जरूरत है, सिक्सों के हिसाब से देखा जाए तो 8 सिक्स और लगाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। अब सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी क्योंकि 60 रनों का पीछा करना है, तो 8 सिक्स लगाने जरूर। इस बार मिस टाइमिंग, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और यहां पर जीवनदान बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये खूबसूरत कैच विकेट का बदम होता है। जीतों की इनिंग की हुई है समाप्ति। बिल्कुल इस वक्त आउट हो चुके हैं बहुबली खिलाड़ी जीतू। स्कोर है 12 रन, जीत के लिए लक्ष्य 60 रनों का, उसका पीछा करती हुई झुंझार स्पोर्ट्स। कुलशेट की टीम नजर आती हुई, जिम्मेदारी यहां पर आएगी ओंकार पाटिल और सागर के कांधों पर। इसी बीच अगली गेंद, शॉर्ट पिच गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, और यहां पर दूसरा जीवन दान मिलता हुआ इस वक्त सागर को। बिल्कुल सागर की अगर बात करें तो इस सीजन में काफी अच्छे फॉर्म में रहे। टीपीएल जो हाल ही में हमने देखा उसके अंदर मैन ऑफ द सीरीज के हकदार बने थे, और काफी अच्छा फॉर्म है ये खिलाड़ी का, इन फॉर्म बैट्समैन का कहा जा सकता है इन्हें। इसी बीच अगली गेंद, इस बार मोटा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, और यहाँ देखिए 1 रन जरूर पूरा किया। उदय की अगर बात करें तो यहाँ पर उदय शायद मेरे ख्याल से उनका आज लक साथ नहीं देता हुआ, एक स्ट्रोक का जरूर देखने मिला, उसके बाद खराब फील्डिंग, कैच छूटी कुणाल की उनके हाथों से, और उसके बाद तो कुछ काफी खराब स्थिति में देखने मिला उनका। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार आदित्य, इस बार ये गेंद आउट ऑफ द पार्क 6 रन। बिल्कुल दोनों ही दिग्गज टीमें हैं, दोनों ही डेंजर टीमें हैं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पर। बिल्कुल मैंने पहले कहा था झुंझार स्पोर्ट्स टीम फाइटर टीम मानी जाती है, इनके सामने कितना भी बड़ा लक्ष्य रखें वो जल्दी हथियार नहीं डालती है। इस बार आगे बढ़ने से खेलने की चाहत, और यहां पर 1 रन दौड़ कर पूरा किया है, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलता हुआ। ओवर की हुई है समाप्ति, स्कोर है 21 रन। पारा गेंदे बची हुई है, और जीत के लिए जो रनों की जरूरत है वो है 39 रन। संदीप आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। संदीप सज्ज होते हुए 12 गेंदे, जीत के लिए 39 रनों की जरूरत। मैच का सिचुएशन है कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। इसी बीच ये गेंद आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, तेज तर्रार गेंद थी, गेंद सुरक्षित डॉट
के रूप में कन्वर्ट होती हुई 11 जीते 39 रन। सागर अभी भी विकेट के ऊपर डटे हुए हैं, सागर से आशा और उम्मीद उनकी टीम को काफी ज्यादा। बाहर किया और यहाँ देखिए तीसरा कैच छूटा है इस वक्त सागर का। रिकॉर्ड से निकलते वक्त दही और शक्कर खाकर आए, इसलिए जीवन दान पे जीवन दान मिलता हुआ नजर आ रहा है। तीन कैचेस इनकी ड्रॉप हुई है और इनकी कोशिश अभी भी जारी है क्योंकि गेंदें बची हैं हिस्से में इस वक्त 10 और जीत के लिए 38 यानी 38 रनों की जबर। ओमकार बड़ा हिट लगाने की चाहत, डिक्लेयर जोन में गेंद गई है जरूर। स्ट्राइक रखेंगे इस वक्त अपने पास सागर और मेरे ख्याल से सागर कोशिश जरूर कर रहे हैं कि बड़े हिट देखने मिले उनके बल्ले से। उनकी टीम ये आशा और उम्मीद के साथ अभी भी उन पर भरोसा जताती हुई, क्योंकि सागर की अगर बात करें होनहार बल्लेबाज है, बड़े हिट लगाने में हम अक्सर कहते हैं कि ये माहिर है और इनके पास स्ट्रोक्स का भंडार है। अब किस प्रकार का स्ट्रोक का निकालेंगे अपने पिटारे से ये देखने वाली बात। और मेरा स्ट्रोक खेला है गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ 6 रन इस मैच में रंग भरने की कोशिश पूरी के पूरी करते हुए सागर। और बिल्कुल जिस खिलाड़ी को 3 लाइफ लाइन मिली हो वो इस वक्त बल्लेबाजी करता हुआ आपकी टीम के लिए करो या मरो इस सिचुएशन में, क्योंकि 3 बार जीवन दान मिला है तो उसका फायदा भरपूर उठाने की कोशिश करेंगे। यस निकेश आज काफी मेहरबान है सागर पर, 2 कैचेस उनके ड्रॉप हुए उनके हाथों से, एक जितेंद्र के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ और 2 कैचेस इन्होंने ड्रॉप किए जीत के लिए। 8 गेंदे 31 रन, इस बार ये डेंजर डिलीवरी थी, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 7 गेंदे यस 8 गेंदे और 30 रन, 8 गेंदों में 30 रन की जरूरत, 8-30 का ये मुकाबला नजर आता है। इसी बीच ये गेंद इस बार गेंद जाती हुई डिक्लेयर जोन की तरफ, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। सात गेंदे और 29 रन की जरूरत। ओवर की हुई है समाप्ति और स्कोर है 32 रन, 6 गेंदे और जीत के लिए 28 रनों की जरूरत। विचार उत्पन्न रखने लगते हैं तो
रत्नेश अंतिम और आखिरी ओवर की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेते हुए, और यहां पर देखिए मौका बना है, और यहां पर ये देखिए, ओ हो हो हो, ये चौथा कैच ड्रॉप हुआ है आज यहां पर। स्लो पॉइजन को चार जीवन दान मिले लेकिन जीवन दान का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। बड़े हिट की खोज जारी है, जीत के लिए रनों की जरूरत है। 27 रन, 5 गेंदे, 27 रन। और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जीत के लिए 4 गेंदे बची हैं। ट्वेंटी 3 रनों की जरूरत है। अब ओमकार इनके ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि 4 गेंदों में चारों बड़े हिट लगाने हैं। तीन गेंदे और 22 रन, 3 22 की जरूरत। बिल्कुल ये स्ट्रोक लगा है 6 रन के लिए, लेकिन देर से आए हैं, दुरुस्त नहीं। 2 गेंदे बची हैं और 2 गेंदों में जो जरूरत है वो है लगभग इस वक्त 16 रनों की। दरकार। टॉप डिलीवरी, चलिए दीवा कैप्टन आइए प्लीज। चलिए मैच की हुई समाप्ति। नौकर कैप्टन आपको भी आना है, ताबड़तोड़ शहर अब बाद में करिएगा क्योंकि अब मैच है, ताबड़तोड़ कंटिन्यू करना है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आइए।